स्टूडेंट्स वी आर लाइव नाउ, वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लास। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज 4.1। स्टूडेंट्स कल का जो टॉपिक था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ गलत भी किया है, ठीक है। सो एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स कोई भी नंबर्स जो सेम नंबर्स से कट हो रहा हो, ठीक है। जैसे जो नहीं कट हो रहे हैं, जैसे ये चेक करना था कि जो कट हो रहे हैं उनको कट करना था और जो कट नहीं हो रहे थे, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस था 35/61, ठीक है। सो 61 तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, और कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जो 35 और 61 को कट करता हो, ठीक है। सो इट इज़ ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक। और जैसे एक क्वेश्चंस सॉल्यूशंस वाला ले लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो थे डाउटफुल थे कि सर आपने 2 से क्यों नहीं कट किया, 4 से क्यों कर दिया। तो बेटा ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपको 2 से डिविजिबल करना है तो बार बार करिए, और हम देखेंगे कि ये 4 से डायरेक्टली डिविजिबल हैं तो 4 से डायरेक्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा सबसे पहले तो, ठीक है। और 2 की टेबल में 6 टाइम्स होगा और 2 की टेबल में 20 10 टाइम्स। फिर देखिए 2 से डिविजिबल है तो 2 से हमने डायरेक्ट डिविजिबल कर दिया, सो आर लास्ट आंसर इज 3/5। ओके, सो आई थिंक इतनी बात सभी को अब समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, कि डिविजिबिलिटी कैसे होती। सेम नंबर से देखिए कट किया मैंने, अगर वैसे कट नहीं कर पा रहे तो ऐसे डिवाइड का साइन करके ऐसे सॉल्व करिए, ठीक है। ओके, अब जैसे 7th नंबर एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, -82/-176। तो सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के माइनस साइन कैंसिल किए, ठीक है। सो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, दोनों पॉजिटिव में। अब दोनों नंबर्स 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, ठीक है। 2 से डिविजिबल करेंगे तो ये 41 हो जाएगा, 2 4 2 1 2, एंड इसको डिवाइड करेंगे 2 8 16, 1 रिमाइंडर 6 यहाँ 16 हो जाएगा, सो 2 8 16। ओके, अब 41 जो है वो प्राइम नंबर है और 41 और 88 किसी भी टेबल से नहीं कट सकता है, तो यही इसकी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो इतनी बात तो इसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स में नहीं थी, और ठीक है। बस ये जो नंबर लाइंस हैं बेटा, मैंने क्या बताया था, 2 कंडीशंस होती हैं, एक तो न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर की होती है, और दूसरी कंडीशंस होती है न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। ये जो कंडीशंस होती है ये 0 और 1 के बीच की होती है, ये जो न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, जैसे 2/5 न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कैसा है, लेस है, उल्टा मैंने साइन बनाया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है, ठीक है। ये ऐसे नोट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से लेस है। तो इस कंडीशन में ये जो नंबर होंगे 0 और 1 के ऑलवेज मिड में लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे 2/5 लाई करना था, मैंने जो क्वेश्चंस था बेटा दोनों कंबाइंड कर दिया था, पॉजिटिव एंड निगेटिव रैशनल नंबर्स एक साथ लिख दिया था। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे सर पॉजिटिव अलग बताने निगेटिव अलग बताने, बेटा पॉजिटिव वाले पॉजिटिव लाइंस में ड्रॉंगे और अगर निगेटिव साइन हो जाएगा तो वो निगेटिव में रिप्रेजेंट किए जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसा कोई वही नहीं था, ठीक। तो जैसे दोनों कंडीशंस बता देते हैं, और ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन वाली जो प्रॉपर्टी है, ये 1 से और बिटवीन किसी भी नंबर के बीच में लाई कर सकती है, ठीक है, 1 और अदर नंबर के बीच में लाई करेगी, ठीक है। मतलब ये 1 को क्रॉस कर जाएगी, जैसे 5/2 है तो 5/2 का मतलब क्या होता है, 2 होल 1/2, और 2.5 मतलब 2.5 मींस 2.5 क्या वैल्यू है, 1 और 3 के मिड की वैल्यू है, ठीक है। तो ये 1 और 3 के बीच में लाई होगी, ठीक है। सो दोनों बातें मैंने क्लियर कर दी हैं, तो एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और एक इसका न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दोनों क्लियर कर दे रहे हैं, और अब बेटा किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए शायद, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, तो 0 को लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा इधर पुट करते हैं, ठीक है। और 3/5 की कंडीशंस हैं, मतलब
थ्री अपॉन फाइव नंबर है ना हमारा, थ्री अपॉन फाइव, तो ये नंबर कहाँ पे लाई होगा, ज़ीरो और वन के बीच में, ठीक। सो डिनोमिनेटर में क्या है, फाइव, ठीक। तो यहाँ पे फाइव की सीरीज चलेगी, वन अपॉन फाइव, टू अपॉन फाइव, थ्री अपॉन फाइव, फोर अपॉन फाइव, एंड लास्ट इज फाइव अपॉन फाइव। मीन्स क्या होगा, फाइव और फाइव से कट हो जाएगा तो आंसर क्या मिलेगा, वन। मतलब इसको फाइव और फाइव के बीच में क्या कर सकते हैं, वन नोट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब हमको रिप्रेजेंट क्या करना है, थ्री अपॉन फाइव, तो थ्री अपॉन फाइव को क्या करेंगे, डार्क पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देंगे, ओके। और ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे इसको बॉक्स में क्लोज करके दिखा देंगे, ठीक है। अब एक कंडीशन आती है नाइन बाई फोर वाली, सो नाइन बाई फोर वाली जो है इसको फोर से डिवाइड करके होल में कन्वर्ट कर लेंगे, फोर टू ज़ा एट, ठीक है, टू होल वन बाई फोर, ठीक है। यहाँ से एक हमको वो मिल गया कि जो नंबर है वो टू से टू और थ्री के बीच में लाई करेगा, टू होल वन बाई थ्री मीन्स क्या हुआ, टू से अबव है और थ्री से बिलो है, टू और थ्री के बीच में लाई करेगा ये नंबर, ठीक है। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ज़ीरो, और डिनोमिनेटर में क्या है, फोर। तो पहले तो यहाँ वन पुट करिए, ठीक, फिर यहाँ पे टू पुट करिए, और फिर टू के आगे सीरीज चलने लगेगी, वन बाई फोर, टू बाई फोर, थ्री बाई फोर, ओके, फोर बाई फोर, फाइव बाई फोर, सिक्स बाई फोर, सेवन बाई फोर, एट बाई फोर, एंड नाइन बाई फोर, इस तरीके से। और यहाँ आगे करके यहाँ पे थ्री लिख दीजिएगा, ठीक है। और नाइन बाई फोर कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, जहाँ पर रिप्रेजेंट होगा आप उसको क्या कर देंगे, डार्क कलर में शो आउट कर देंगे बेटा, ठीक है। सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो बस बेटा इसी चीज़ का थोड़ा सा आपको क्या करना है, माइंड सेट करके चलना है, ठीक है। अब जैसे नेगेटिव नंबर्स है सबसे पहला, तो पहला नेगेटिव नंबर्स क्या है, जे नंबर का वन, माइनस टू बाई फाइव, ओके। माइनस टू बाई फाइव मीन्स आप ज़ीरो को राइट हैंड साइड ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। माइनस टू बाई फाइव मतलब न्यूमरेटर जो है, अब माइनस साइन नहीं देखेंगे, सिर्फ टू बाई फाइव देखेंगे। माइनस तो लेफ्ट और राइट की खेल होता है ना, अब माइनस शो कर रहा है तो लाइन के लेफ्ट हैंड साइड शो होगा नंबर, मीन्स टू बाई फाइव मीन्स न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी लगेगी। मतलब जो नंबर है ज़ीरो और वन के बीच में लाई करेगा, ज़ीरो और माइनस वन के बीच में, सॉरी, क्योंकि माइनस का नंबर है ना, तो लास्ट में डिनोमिनेटर फाइव है तो माइनस वन बाई फाइव, माइनस टू बाई फाइव, माइनस थ्री बाई फाइव, माइनस फोर बाई फाइव, एंड लास्ट इज माइनस फाइव बाई फाइव, क्या हो जाएगा, माइनस फाइव बाई फाइव इज वन, ओके। फाइव से फाइव कट हो जाएगा, माइनस वन होगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस का साइन लगाना भूल गए, सॉरी, ठीक। तो माइनस टू बाई फाइव को ऐसे डार्क कलर में शो आउट कर देंगे और इसको ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ठीक है। सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक। अब कोई भी स्टूडेंट्स जो है वो गड़बड़ी नहीं करेगा बेटा, ओके। सो बाय, टेक केयर। वीडियो भी आपका 9 मिनट्स का हो चुका है, ओके। आज कुछ आगे का इसलिए स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही आप इस टॉपिक को क्लियर करें, ओके। नेक्स्ट क्लास से 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।